नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के कुरवाई से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। विद्युत विभाग की मनमर्जी, जनता हो रही है परेशान। जी हां, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कुरवाई द्वारा उपभोक्ताओं के बिल जमा करने की नियत तिथि से एक दो दिन पूर्व वितरण किए जा रहे हैं, जिस कारण हजारों उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क के साथ बिल जमा करना पड़ रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भीड़ में लाइन में खड़े होकर मानसिक परेशानी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। विद्युत मंडल को लाखों रुपए की राशि विलंब शुल्क के रूप में मिल रही है। विद्युत मंडल में बात करने पर लाइन मैनों का कहना रहता है कि भोपाल से बिल लेट प्राप्त हो रहे हैं, जिस कारण से वितरण करने में देरी हो रही है। इस संबंध में नगर के जागरूक उपभोक्ता रजनीश साहू ने विद्युत मंडल में एक शिकायती आवेदन एई शैलेश राठी बासोदा को देते हुए आरोप लगाया है कि इस माह के बिल 19 एवं 20 मार्च को वितरण किए गए, जबकि बिल भरने की अंतिम तारीख 21 मार्च निर्धारित है और चेक द्वारा भुगतान करने की तारीख 18 मार्च बिल पर अंकित है, जबकि बिल वितरण 19 मार्च से चालू किए गए हैं। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। बिल विगत दो एक महीने से भोपाल में छप रहे हैं, सेंट्रलाइज एक ही जगह से छप रहे हैं। पहले पूर्व में बासोदा में छपते थे, इस कारण बिल जल्दी मिल जाते थे। भोपाल में पेंडेंसी के कारण बिल में दो या तीन से चार दिन लगते हैं आने, तो उसकी शिकायत ऊपर उच्च अधिकारियों को करेंगे ताकि बिल समय पर ऑनलाइन पेमेंट में किसी भी तरह की विलंब राशि नहीं लगेगी। 21 तारीख उसकी ड्यू डेट है और हमारे विभाग उपभोक्ताओं से घर जाके भी पैसा लिया जाता है, तो आज भी तीन से चार टीमें हैं जो अलग अलग प्रयास करके उपभोक्ता जिनको लेट बिल मिले हैं उनके घर जाके भी बिल दिए गए हैं। जैसे आपके द्वारा कल बिल दिए गए, अब 21 तारीख आज लास्ट डेट है, अब कई कोई लोग घर से बाहर हैं जिनसे, तो उसकी पेनल्टी कौन भुगतेगा? तो ग्राहक भुगतेंगे कि विभाग भुगतेगा? उनको सुविधाओं के लिए, इस तरह की समस्या के लिए उपभोक्ता के घर जाके भी बिल दिए गए हैं। लेकिन ये